जे जलिलता के साफ तौर पर कह रहे हैं, उनका पहला बयान आया कि परिवारवाद को जनता ने नकारा है। ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री बनने का मेरा भी कोई सपना नहीं है। दो बड़ी बातें, दो बड़ी किंग मेकर और फीमेल प्रोटैगनिस्ट की ओर से जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कहां क्या मिजाज है, कहां रीथिंक हो रहा है, कहां पर जश्न, कहां पर संदेश बन रहे, इस पर बताने के लिए स्टूडियो से मेरे साथ संतोष जी तो है ही राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ रंगना न्यूज रूम से तमिलनाडु के हालात पर ब्रिजेश कांग्रेस दफ्तर पर जहां पर मायूसी छाई है बताने के लिए गीतिका तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर, अनुराग बीजेपी ऑफिस पर, लेकिन सबसे पहले अनुराग के चेहरे पर भी रंग यहां पर लगाए, गीतिका के चेहरे पर भी रंग लगाए, लेकिन हरियाली सबसे ज्यादा गीतिका तृणमूल के दफ्तर पर छाई है, खासतौर पर दिल्ली के दफ्तर पर, क्योंकि कोलकाता के बाद दिल्ली की बारी की तैयारी है। निहारिका मैं बता दूं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है, गुलाल खेल रहे हैं, ये सब इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर अभी रुझान आ गए और कहां जहां 184 सीट से पिछले बार वही इस बार 200 का आंकड़ा हो चुके हैं, तो क्लीन स्वीप हम कह सकते हैं बंगाल में। और यहां के लोगों की खुशी आप कैमरे की नजर से देख सकती हैं कि सबके चेहरे रंगे हुए हैं, सबके चेहरे पे खुशी है। आप देख सकती हैं कितनी खुशी है, ये दिल्ली के दफ्तर की हम बात कर रहे हैं जो कि कैलकटा से काफी दूर है, लेकिन यहाँ भी जो कि जितने भी कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के सब बहुत खुश हैं, सब एक जश्न मना रहे हैं और उनका मानना है कि ये जीत मां माटी मानुष की जीत है, ये जीत आम जनों की जीत है। निहारिका गीतिका आप हमारे साथ बने रही है, होली अनुराग ने भी खोली है, अनुराग किसने रंग दिया आपको? देखिए निहारिका, जब यहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा था तो आतिशबाजी यहाँ पर हो रही थी और जो ढोल की थापा ये लोग नाच रहे, गुलाल भी यहाँ पर लोग उड़ा रहे थे, तो उसी में थोड़ा सा गुलाल मेरे भी लग गया था। फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि असम मिशन उनका पूरा हुआ, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। जो लोग यहाँ पर जश्न के रंग में रंगे थे उनका वो ज्यादातर लोग यूपी से ताल्लुक रखते थे और उनका कहना है कि अब जब 2017 के लिए मिशन के लिए इन्होंने कमर कसी है तो अब उत्तर प्रदेश भी उनका होगा, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुला था वहां पर बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है और उसके बाद अब लगता है कि बीजेपी की अब लहर वापस आएगी, तो कुल मिलाकर उत्साह बहुत ज्यादा है। हालांकि सुबह के वक्त निहारिका यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरती गई थी, जब पिछली बार यहाँ पर बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी ऑफिस में पूरी तरह से खुशी का माहौल था नतीजे से पहले ही और यहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज पल पल की नजर रखी गई थी टेलीविजन स्क्रीन पर और जब देखा बीजेपी के नेताओं ने कि हाँ अब जो रुझान है असम में हमारे पक्ष में आ रहे हैं और बाकी राज्यों में भी स्थिति ठीक ठाक है, तो उसके बाद नेता अपने अपने घरों से निकले, मीडिया सेल में यहाँ पर आए और उसके बाद मीडिया वालों से उन्होंने बातचीत की। अब उनका यह कहना है कि कांग्रेस लगातार अपनी जो अंतिम सांसें हैं वो गिन रही है, कांग्रेस का नेतृत्व लगातार कमजोर रहा है, परिवारवाद की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में खुशी का माहौल बीजेपी दफ्तर में निहारिका पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। जी निहारिका, निश्चित तौर पर अनुराग होगा क्यों नहीं कि एक रामबाण मिला, एक संजीवनी, एक पेनिशिया मिली उन्हें यूपी इलेक्शन के लिए और भी राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, जहां से बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि जहां कोई जनाधार नहीं होगा वहां पर इतने प्रचंड बहुमत के साथ दो तहाई का आंकड़ा पार कर देगी। अनुराग आप हमारे साथ बने रहिए, सीधे ब्रिजेश का रुख करते हैं, कांग्रेस दफ्तर से हम मौजूद है। ब्रिजेश आपने तो नहीं खेली होगी भाई होली, सिर्फ गीतिका और अनुराग को यह पर मौका मिला होगा। रंगहीन माहौल में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग नेताएं कह रहे हैं राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, कोई कह रहा है उन्हें अध्यक्ष बना दो, इन तमाम चीजों के बीच में कार्यकर्ता के पास अब पूरा मौका है ये कहने का कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, हमारी मेहनत रंग नहीं ला रही है क्योंकि नेतृत्व ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। हाँ, सिर्फ केवल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्हीं की यहां पर जो है जो आमद दिखाई दे रही है, वो प्रवक्ता अपने अपने तरीके से यहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी, क्योंकि हर तरफ एक ही सवाल है कि आपकी 5 राज्यों में हार के बाद क्या आप नेतृत्व की जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होता है, 4 सीटों में कांग्रेस जीतती है और जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर आता है, लेकिन जब 5 राज्यों में भी कांग्रेस की हार होती है तब हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सवाल पर सभी लोग मौन है। अभी सुरजेवाला साहब जो मीडिया
मुखातिब थे, जब उनसे पूछा गया कि आखिर हार की जिम्मेदारी किसकी, तो उन्होंने कहा यह सामूहिक जिम्मेदारी है, आप किसी एक पर नहीं डाल सकते। तो कहीं ना कहीं अब फेस सेविंग की बात हो रही है, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं नतीजे तो कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन हम अपनी हार साफ दिल से स्वीकार करते हैं और आगे कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि हार के लिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हार को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ये वो मान रहे हैं कि टाइम कम दिया गया है। रंजना के पास चलते हैं। रंजना, जयललिता का बयान आया है कि परिवारवाद को नकार दिया गया है, डीएमके ने जो झूठा प्रचार उनके खिलाफ किया है वो मैटर नहीं रहा, एंटी इनकम्बेंसी वेव यहां पर काम नहीं की, हालांकि डेवलपमेंट पूरी तरीके से मैटर करा है। किस रोल में, किस पोजीशन में आगे की डेट में जयललिता को आप देख रही हैं? और ये भी मुझे बता दीजिए, तमिलनाडु में अब हलचल क्या है, कब पूरी बोर्ड की बैठक होने वाली है, शपथ ग्रहण से जुड़ा कोई डिटेल आपके पास हो तो? निहारिका, एक बात बताऊं, जो वहां के जानकार हैं, जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि इस बार जो जयललिता की जीत हुई है, वो जो जीत की तरफ बढ़ रही हैं, क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही हैं, उसमें कॉन्क्रीट डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली वहाँ जो मुद्दा इस बार बना है, वो एक बार फिर जो हमेशा तमिलनाडु में रहा है, वो फ्री बी का ही रहा है। फ्री बी है, वहाँ पर मनी डिस्ट्रीब्यूशन एक मुद्दा बना है, जो लगातार कई पार्टियाँ इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास जाती रही हैं। उसके अलावा डिवीजन ऑफ वोट एक मुद्दा है जो AIADMK के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इस बार चूंकि वहाँ मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ और AIADMK वर्सेस DMK के साथ साथ वहाँ पर PMK और थर्ड फ्रंट उभर कर आया, और जो माना जा रहा है कि जो AIADMK की जीत हुई है वो इसलिए हुई है कि जो DMK के खाते में वोट जा सकता था वो वोट PMK और थर्ड फ्रंट ने ले लिया, तो DMK को एक सेटबैक लगा, ये माना जा रहा है फिलहाल। और दूसरा एक चीज़ ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के से लोकसभा में AIADMK ने 37 सीट्स, आप बने रहिए हमारे साथ, बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है, JP नड्डा को सुनते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये स्पष्ट हो चुका है कि उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो हमारी बात थी कांग्रेस मुक्त भारत, उस ओर अग्रसर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिली है, और केरल में भी हम लोगों ने खाता खोला है, और मैंने यही कहा था कि वहाँ पर हम इस बार अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे, वो हमने प्रेजेंस दर्ज कराई है। असम में जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, यह इस बात का स्पष्ट इंडिकेशन है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और कांग्रेस से मुक्ति की तरफ वो आगे बढ़े। सर, नीट पर क्या ऑडियंस लाने का विचार है? बहुत जल्द सबसे पहली बात तो मैं नीट पर यह कहना चाहूँगा कि नीट लागू हो चुका है, नीट का फेज़ वन पूरा हो चुका है, नीट फेज़ टू की तरफ चला है। कुछ इश्यूज़ प्रदेश सरकारों ने उठाए हैं, उनको वो बहुत जायज़ और जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को हम एड्रेस कर रहे हैं, एक दो दिनों में हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। कई सिंपथी वोट है, कई जेन्युइन वोट है। पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस जॉल था, और इसके साथ तमिलनाडु में फ्रीबीज तो काम कर गए लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फेल हो गई। ये पहली बार ऐसा था कि ट्रेंड बदला है, दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिला है। संतोष जी, आप कह रहे हैं AIADMK ने जिस तरीके से अपने आप को रिपीट किया है, और अब वो थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगी सेंटर के प्रति, तो थोड़ा सा एक कनेक्ट तो यहाँ पर रहेगा। हम रामेश्वर जी के पास चलते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। रामेश्वर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर रही है, मेरा सवाल बस यही है कि असम में जो एक सरप्राइज विजिट, हालांकि मेहनत बहुत नॉर्थ ईस्ट में की गई है, लेकिन ये जो सरप्राइज जीत यहां पर असम में हासिल की गई है, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, जहां पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, कोई फेस नहीं है और दो दशक से सत्ता से बाहर है? असम एक आइडियल एग्जाम्पल बन पाएगा यूपी की पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी अगर कैडर की बात करें तो? देखिए, एक असम की जीत कोई सरप्राइज जीत नहीं है, पहली बार भाजपा वहां आई है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हाँ। पिछले 3 वर्षों में दिखाई पड़ रहा था, और जैसा कि भी संतोष जी ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं, यंग मुस्लिम्स हैं, उन्होंने देखा कि अब जो आखिरी तीसरा कार्यकाल था गोगोई का, उसमें तो भ्रष्टाचार इस कदर सामने आ गया था और तमाम आपराधिक किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द थे कि वो साफ साफ राइटिंग ऑन द वॉल था कि इस बार
बहिरागतों का जो मामला है, अवैध बांग्लादेशियों का मामला और भ्रष्टाचार का मामला, तो वहाँ के मुस्लिम युवा भी बदलाव की तरफ आगे आ गए थे। निश्चित तौर पर असम कोई मॉडल नहीं है यूपी के लिए, लेकिन असम की जीत का या ये जो नतीजे हैं इनकी जीत का भाजपा, यूपी भाजपा पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। वजह, भाजपा ने न केवल असम में बल्कि वो तमिलनाडु में, केरल में खाता खोलने में सफल रही, बंगाल में उसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं, तो ये सब उत्साहित करने वाली चीज़ें हैं। जो बिहार की हार है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित हो गई थी यूपी में, अब एक तरह का उत्साह आएगा और उन्हें लगता है कि जैसे अभी दो उपचुनाव हो रहे थे तो एक चुनाव के नतीजे मेरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन बिलारी में भाजपा कार्यकर्ता आगे चल रहा था, जो दो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एक सीट भाजपा को जानी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसलिए बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा उत्साह की स्थितियाँ थी। तो भाजपा नए सिरे से, अब पूरे भाजपा का, नेशनल भाजपा का भी फोकस अब उत्तर प्रदेश को लेके होगा। बिल्कुल, रंग में आ गई अमित शाह ने, चूंकि अभी अपडेट आ रहा है, कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बधाई दी है सर, अमित शाह ने बधाई दी, अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। वही खबर केरल से भी आ रही, ओमन चांडी कह रहे हैं कि हमें इस तरीके की हमारी हार होगी, हमें विश्वास तक नहीं था। जल्दी से गीतिका के पास चलते हैं। गीतिका, ममता बनर्जी तमाम मीडिया चैनल्स को बयान दे रही है कि भाई पीएम पद नहीं, अभी पीएम पद नहीं, अभी बंगाल पे फोकस करना है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सीएम या पीएम आगे वाले इलेक्शंस में, ममता को किस भूमिका में वो देख रहे हैं, सीएम पीएम क्या? जी, अगर टीएमसी कार्यकर्ताओं की बात करें तो यहाँ पे जितने भी है वो यही बोलते हैं कि ममता बनर्जी उनके लिए दीदी है और दीदी के आंचल के साये में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इस बार की जीत हुई है तृणमूल कांग्रेस की, माटी मानुस की जीत बता रहे हैं, और जिस तरह से 3 दशक तक वाम मोर्चा की सरकार थी बंगाल में, उसको हराने के बाद 184 का आंकड़ा क्रॉस करके पिछले बार ममता बनर्जी जीती थी, वही इस बार 200 का आंकड़ा क्रॉस कर गए। और जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पे, आपने की बात की कि माँ को, ममता बनर्जी को वो किस रूप में देखते हैं, तो मैं बता दूं कि ममता बनर्जी दीदी के नाम से फेमस है पूरे बंगाल में, और उनको सब जितने भी कार्यकर्ता है वो यही बोलते हैं कि उनके छत्र छाया में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ममता बनर्जी को किस रूप में देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में आप? आने वाले दिन के हम सेंट्रल में देखना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के रूप से हम देखना चाहते हैं, दीदी है, माँ माटी मानुस है, उनको ये देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल निहारिका, तो मैं बता दूं कि कार्यकर्ता जो है उनका यही सपना है कि वो दीदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निहारिका, बिल्कुल सहानुभूति है, भावना भी है, दीदी दीदी जो बंगाल की यहाँ पर दादा बन गई, लेकिन उनको सेंट्रल लेवल पर पीएम पद पर भी देखना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता की और आम आदमी की चलो रिएक्शन तो आ ही जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता तो पीएम कह रहा है। संतोष जी, दो किंग मेकर्स तो आ गए हैं और दोनों फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, मेहनत करके आई हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर ही आरोप लगाया, परिवारवाद की आरोप रही है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, झूठे आरोप उन पर लगाए, लेकिन फिर भी उभरी, और दोनों एक सादी छवि की हैं और एक अपने आप में ग्लैमर का भी प्रतीक है और एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लेडी फेस भी है और पैसे के भी प्रतीक है। हाँ, पैसे के भी, राइट, यू आर राइट। अभी जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बोल रहे थे कलकत्ता से, मैं आपको बताऊं, देश में कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से लोगों ने समझ ली हैं। अब उनको लगता है सीएम बहुत छोटा है, जैसे कॉरपोरेटर है, प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं बनेंगे, और हर आदमी, रामविलास पासवान के कार्यकर्ता कहीं बोलते हैं तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसको भी आप देखो, लालू जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, नीतीश जी को चल रही थी, राहुल गांधी को चल ही रही है, हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश के लोग धीरे धीरे थोड़े समझदार होते जा रहे हैं, वो वैचारिक जगलरी में न फंस करके उनके लिए जो काम करता है उसको वोट देने के पक्ष में होते जा रहे हैं।